सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज सभी का हमारे प्रोडक्शन जीपी रेसिंग वापस स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर मैक्सिमम स्कूल्स रीओपन हो गए हैं सीबीएसई क्लास 10th और क्लास 12th बोर्ड स्टूडेंट के लिए। मतलब जो इस साल के बोर्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए मैक्सिमम स्कूल ऑल ओवर इंडिया में खुल गए हैं। तो गाइज, अब शायद वापस से स्कूल्स को बंद किया जा सकता है, ऐसी गाइज न्यूज़ निकल के आ रही है। क्यों गवर्नमेंट बंद कर सकती है, क्या कारण है, सब कुछ गाइज मैं आपको वापस इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन गाइज, आपको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को गाइज एक ऐप के बारे में बताना चाहूँगा जो आपकी घर बैठ के काफ़ी ज़्यादा आपकी स्टडी में हेल्प करेगा। डाउट नट, अगर गाइज आप किसी सवाल में अटक गए या फिर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो गाइज सिंपली इस क्वेश्चन की फोटो क्लिक करो, क्रॉप करो और सेंड कर दो डाउट नट ऐप के अंदर। विद इन 5 सेकंड के अंदर आपको वीडियो फॉर्मेट के अंदर सॉल्यूशन मिल जाएगा। गाइज वो क्वेश्चन आपका होमवर्क का हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो या फिर कोई भी दूसरे स्टेट बोर्ड का हो, 6 से लेकर 12 तक आईआईटी, जी मेंस, एडवांस, नीट सभी के सॉल्यूशन आपको यहां पर मिलेंगे। और गाइज आपको इस ऐप के अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के, बायोलॉजी के भी सॉल्यूशन मिलेंगे। और गाइज अभी डाउटनेट के अंदर ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, क्लास 9 से लेकर 12th के स्टूडेंट के लिए, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए क्लासेस है। गाइज 3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट डाउटनेट ऐप को यूज कर रहे हैं, इसलिए अभी डाउटनेट ऐप को डाउनलोड करो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो गाइज एक्चुअली गवर्नमेंट की तरफ से वापस स्कूल बंद करने का डिसीजन इसलिए लिया जा सकता है क्योंकि गाइज अभी हिमाचल प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर और वेस्ट बंगाल के अंदर स्कूल रीओपनिंग के बाद में काफ़ी सारे केसेस बढ़ गए हैं। एक्चुअली गाइज बहुत सारे टीचर पॉजिटिव आ रहे हैं स्कूल के अंदर, जिस वजह से बच्चे तो पॉजिटिव आ ही रहे, साथ में उनके पेरेंट्स भी पॉजिटिव आ रहे हैं, जिस वजह से बच्चों को इस तरीके से बच्चों की लाइफ को रिस्क को देखते हुए शायद से कई स्टेट की गवर्नमेंट स्कूल्स को वापस बंद कर सकती है। क्योंकि गाइज अगर बच्चे जो बोर्ड स्टूडेंट अगर वो पॉजिटिव आएंगे तो उनका आगे जो साल है वो ख़राब होने का रिस्क बढ़ सकता है। मतलब अगर वो आज पॉजिटिव आएंगे तो उनकी हेल्थ पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, उनकी स्टडी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऑनलाइन स्टडी, वो उनका कहना है स्कूल वालों का कि ऑनलाइन स्टडी बेटर है ऑफलाइन स्टडी से इस टाइम। और गाइज मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर वापस से स्कूल्स को बंद कर दिया है 1 वीक के लिए, क्योंकि गाइज केसेस बढ़ गए थे उधर, क्योंकि स्कूल खुलने के बाद में कई टीचर पॉजिटिव आ गए, टीचर के बाद में जो वहाँ का स्टाफ है वो भी पॉजिटिव आ गया, उसके बाद में वहाँ के कई सारे 15-20 बच्चे पॉजिटिव आए, बच्चों से उनके पेरेंट्स में चला गया। तो ऐसे करते करते चेन बढ़ती गई, तो उसी की वजह से हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसीजन लिया कि 1 वीक के लिए एक बार वापस स्कूल्स वगैरह को बंद कर दिया जाए। ऐसा ही केस हुआ था गाइज यूपी के अंदर, यूपी में भी सेम कंडीशन हुई। तो गाइज इनको देखते हुए जो बोर्ड का है उनका भी कहना है कि अगर ऐसे केसेस बढ़ते रहे तो बच्चों की हेल्थ को तो इम्पैक्ट पड़ेगा, साथ में जो बच्चों की आगे स्टडी है वो भी सही तरीके से नहीं हो पाई, क्योंकि गाइज एंडिंग टाइम है, बच्चों को इसी टाइम ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है। तो अभी वो बीमार हो जाएंगे तो कैसे आगे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो गाइज शायद से अब ये हो सकता है कि अब एक बार वापस स्कूल्स को शट डाउन किया जाएगा, स्कूल्स वापस रीओपन हो गए शायद दिवाली ब्रेक के बाद में। और वैसे अभी ऑफलाइन स्टडी रिस्क है तो ऑनलाइन स्टडी बेटर है। अभी गाइज ये बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है, देखो गाइज अब इसके ऊपर कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट होती है तो मैं ज़रूर वीडियो बना के बता दूंगा। अभी तक गाइज यही इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है वापस स्कूल्स को बंद करने की, कई सारी गवर्नमेंट। आपके स्टेट की क्या कंडीशन है, आपके स्टेट में केसेस कैसे बढ़ रहे हैं, ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर वीडियो में आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे फ्रीली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर अपने फ्रेंड्स साथ शेयर करना जिससे उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हमने फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपने घर पर रहो, सेफ रहो।